साल 1976 की है, जब मंथन चल रहा था कि कमजोर वर्गों पर शोषण और अत्याचार को कैसे रोका जाए। जाहिर है इसके लिए किसी खास कानून की जरूरत थी, एक ऐसा कानून जो इस तबके को जबान दे, ताकत दे और उनके हितों की वकालत करे। यही बीच पड़े मुद्दतों से नासूर बनी बंधुआ मजदूरी प्रथा को खत्म करने के। सरकार संसद में बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1976 लाई, उसे पास कराया और सभी बंधुआ मजदूरों को शोषण से आजादी मिली। बंधुआ श्रम व्यवस्था उन्मूलन अधिनियम 1976, ये कानून श्रम मंत्रालय और राज्य सरकारों द्वारा संचालित किया जाता है। यह अधिनियम बंधुआ श्रम व्यवस्था को नागरिकों के मौलिक मानवाधिकारों का हनन मानता है और इस प्रथा को खत्म करना इसकी अकेली प्राथमिकता है। आपको बता दें कि 1975 में राष्ट्रपति के एक अध्यादेश के जरिए बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगा था और बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 को लागू करके बंधुआ मजदूरी प्रणाली को 25 अक्टूबर 1975 को पूरे देश से खत्म कर दिया गया था। इस अधिनियम ने बंधुआ प्रथा को दंडनीय संज्ञेय अपराध माना, यानी इस अपराध पर दंड की व्यवस्था है। पर समस्या का ये पूरा निदान नहीं है, आजाद हुए मजदूरों को बसाना भी था। तो बंधुआ मजदूरों को फिर से बसाने के लिए एक केंद्रीय योजना भी शुरू की गई, जिसमें राज्य सरकारों को साथ लिया गया। चलिए देखते हैं कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो इस अधिनियम को खास बनाती हैं। इस अधिनियम के प्रावधान के तहत बंधुआ मजदूर प्रणाली को खत्म कर प्रत्येक बंधुआ मजदूर को मुक्त करना, ऐसे किसी भी एक तरफा करार को निरस्त करना जो बंधुआ मजदूरी को प्रोत्साहित करे। इस अधिनियम ने बंधुआ ऋण और भुगतान की देनदारी भी खत्म कर दी। इस अधिनियम ने बंधुआ मजदूरों की गिरवी पड़ी संपत्ति मुक्त करा दी। इस अधिनियम के माध्यम से बंधुआ ऋण के प्रति अदायगी भी खत्म कर दी गई। राज्य सरकारें जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से इस अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करती हैं और राज्य सरकारें अधिसूचना के जरिए प्रत्येक जिले और उपमंडल में सतर्कता समितियां गठित कर सकती हैं। इन सतर्कता समितियों का काम क्या है? इनका काम मुक्त हुए बंधुआ मजदूरों का आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास करना है। मुक्त हुए बंधुआ मजदूरों को ग्रामीण बैंकों और सहकारी समितियों से पर्याप्त ऋण सुविधा उपलब्ध कराना है। उन अपराधों की संख्या पर नजर रखना है जिनका संज्ञान इस अधिनियम के तहत लिया गया है। उनका काम सर्वेक्षण कर उन अपराधों का पता लगाना भी है जो इस अधिनियम के तहत किए गए हैं। 17 मई 2016 को बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना में संशोधन कर वित्तीय सहायता राशि 20,000 रुपए से बढ़ाकर 1,00,000 कर दी गई। इसके वार्षिक बजट को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 47 करोड़ रुपए कर दिया गया। नकद सहायता को विशेष मामलों में बढ़ाकर 2,00,000 रुपए, नितांत अभाव के मामलों में बढ़ाकर 3,00,000 रुपए किया गया है। इसकी इम्पोर्टेंस तो ये है ना, दैट टोटली ये जो काम दिया जाता था विदाउट पेमेंट एंड अगेंस्ट लोन्स और जनरेशन तक जनरेशन बीइंग मेड टू वर्क विदाउट वेजेस, दिस हैड टू स्टॉप। It was necessary, therefore, to bring about an amendment or a law which prohibited bonded labor. So the bonded labor had to be released, they had to be rehabilitated, and there had to be a law which prohibited such a practice which was otherwise against the framework of the Constitution. जो आपके फंडामेंटल राइट्स थे, वो फंडामेंटल राइट्स जो राइट ऑफ इक्वालिटी देते हैं और राइट ऑफ लाइफ जो है, वो राइट ऑफ लाइफ को इनलार्ज करते हुए कि भी इट इज़ जस्ट नॉट एनिमल एग्जिस्टेंस बट फार बियॉन्ड दैट, उस पर ये लाया गया दैट यू कांट हैव बॉन्डेड लेबर, यू कांट कीप पीपल इन बॉन्डेज मेयरली बिकॉज दे आर पुअर।
So इसलिए ये 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 संशोधन was necessary. जानकारी के लिए बता दें कि 31 मार्च 2019 तक मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों की संख्या 3,13,687 है, जबकि पुनर्वासित मजदूरों की संख्या 2,93,725 है.